जी वेलकम बैक। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे हम पीपीसी की। ठीक है, पीपीसी के ऊपर आपको स्पोर्ट्स का पता होना चाहिए, एक बीए को, एक सेलर को। ठीक है, कि भाई मैं जो चीजें कैंपेन रन करने जा रहा हूँ वो आखिर कहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अच्छा जी, जब आप यहाँ पर मैंने लिखा है ऊपर, एक सेकंड पीछे चला जाए। हाँ जी, जब ब्रांड टाइप आप कैंपेन चलाते हैं तो वो आपका टॉप ऑफ द पेज आता है। ठीक है, हेडिंग एसएन आता है, या मिडिल पे आता है, या बॉटम पेज पे आता है। ठीक हो गया, तीन आपके पास स्पॉट है। अच्छा, उसके बाद जनरली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो कीवर्ड टारगेटिंग हम कर रहे होते हैं, वो हम सर्च रिजल्ट टॉप पे आ रहे होते हैं और मिडिल पर आ रहे होते हैं। ठीक है, बॉटम पे आ रहे होते हैं, जिसको हम रेस्ट ऑफ द पेज भी कहते हैं, और सेकंड पेज एंड सो ऑन। ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड वाले। ठीक है, ब्रांड वाला अलग है, स्पॉन्सर्ड वाला अलग है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये ब्रांड वाला ही है। ठीक है, इसको वीडियो भी आप कर सकते हैं, इसकी एडवर्टाइज जो कि मिडिल पे आ रहा होता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। अच्छा, स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स ऑन Amazon प्रोडक्ट रिटेल पेज पे आते हैं। देर आर कपल ऑफ स्पोर्ट्स ऑन प्रोडक्ट रिटेल पेज एडवर्टाइजिंग हियर इज रेफर रेफर्ड एज प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी आपका जो है वो एडवर्टाइजिंग के स्पोर्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, जब आप स्पॉन्सर्ड वाले ओनली कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे कि लो बुलेट पॉइंट के जो नीचे आ रहे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, हालांकि वो किसी और की प्रोडक्ट खुली भी होती है, फिर भी जो है वो आपके वो आ रहे होते हैं। ठीक है, आप उसमें अपना भी जो वो प्रोडक्ट वो एडवर्टाइज करवाना चाहें तो आपको वो स्पॉट मिल सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर लो बाय बॉक्स यहाँ पर आ रहा होता है, उससे भी नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, और ये स्पॉट्स हैं आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रसूल, अच्छा नहीं, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको आगे जाके इसको छोड़ दें आप। अच्छा, स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स ऑन अमेज़न रेस्ट ऑफ द पेज आते हैं, डिटेल पेज पे, सेकंड मोस्ट पेज पे विजिट भाजा। वो जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाले स्पॉन्सर्ड थे, वो आपके वो सेकंड पेज पे आ रहे होते हैं, जो कि आपका वो जो डील्स वाला पेज होता है। ठीक है, उस पे आ रहा होता है। वो अमेज़न के जो फर्स्ट पेज है, जैसे डायरेक्ट कोई कीवर्ड लिखता है उस पे भी लोग आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो डील्स वाले हैं मोस्ट, वो जो है वो विजिट किया जाता है। ठीक है, उस पेज पे भी आपको एक स्पॉट मिलता है। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, समटाइम्स स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स में चेंज ड्यू टू नीश, नीश छोटी है तो आपकी वो स्पोर्ट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, रैंकिंग आपको चेंज ओके मिल जाती है। बड़ा कोई बड़ी नीश है तो उस पे आपकी जो वो रैंकिंग चेंज हो जाती है, फिर उस पे बिड बढ़ जाती है, काफी सारी चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये सिर्फ आप सुनते जाएं, इसको प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे जाके। ठीक है, अच्छा जी, ऑन वीकेंड में हम आपको कहते हैं कि आप ना रन करें। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाले वो बेचारे, उनका पैसा जाया ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्स अपना वीकेंड पे वैसे ही शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वीकेंड पे आप जो है वो ना करें। ठीक है, ये आपको सजेशन है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ज्यादातर जो बायर जो है ना, वो मोबाइल के जरिए से ही आपको जो है वो परचेज कर रहा होता है। वजह क्या है, वजह एक ये है क्योंकि अमेज़ॉन की एक एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल पे डाउनलोड की जाती है। ठीक है, जिसको आपने प्राइम का सुना होगा। ठीक है, प्राइम के जो कस्टमर है, प्राइम का एक जो है वो बेसिकली ये एक कैंपेन है, कैंपेन भी कह लें इसको, बल्कि इस तरह मेंबरशिप आप कह लें, मेंबरशिप होती है। ठीक है, वो उनको एक पर एनम जो है वो पर साल की उनसे ले ली जाती है। ठीक है, पेमेंट फॉर एग्जांपल $99 उनसे हर साल ले लिए जाते हैं। उसके बदले में उनको हर वीकेंड पे, हर महीने के उस पे जो बड़ी सेल होती है, वो सारा उनको उस ऐप के जरिए से उनको मिल रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं कोई चीज,
ठीक है, और आप एफबीए भी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप एफबीए वाले हैं, ठीक है। अब आपका सबसे बड़ा जो है वो बायर तो वो मोबाइल पे बैठा हुआ है, अब आपको पता है नहीं, आपने सेलेक्ट कर लिया फलाना स्पॉट, उसके हिसाब से आपने बिड लगा ली, अब मोबाइल में आपने देखा ही नहीं कि अगर ये मोबाइल पे खुलेगा तो मेरा कहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये देखना आपको बहुत जरूरी है, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, देयर आर टू टाइप ऑफ टारगेटिंग, मैं बता चुका हूँ आपको, ऑटो टारगेटिंग होती है और मैनुअल टारगेटिंग होती है, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी सिर्फ सुनने वाली सारी चीजें। अच्छा जी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये है आपके सामने, जो 1 2 3 4 चार जो प्रोडक्ट हाईलाइट हुई हुई है, ये बेसिकली आपके स्पॉन्सर्ड होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा URVA, आप जानते हैं कि ये जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये बेसिकली PPC इन्होंने चलाई हुई होती है, और ये वाले रैंकिंग, ये स्पॉट्स जो है इन्होंने बिड के जरिए से हासिल किए हुए होते हैं, ठीक है। किसी ने कीवर्ड के थ्रू किया हुआ होता है, रैंकिंग करवाई होती है, ठीक है, कीवर्ड को भी फिर उन्होंने बिड के हिसाब से वो करवाई भी होती है, ठीक है, नीच के भी हिसाब है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अभी सिर्फ प्रैक्टिकली आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये आपके आपको स्पॉट्स मिलते हैं, ठीक है। जब आप स्पॉन्सर्ड वाली कीवर्ड की आप कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड और कीवर्ड, ठीक है, तो आपको ये वाले स्पॉट्स मिलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, पहले पेज पे ये 1 2 3 4 ये मिलते हैं। 4 के बाद पांचवा जब स्पॉट होता है वो कहाँ पर आपको मिलता है, आगे चल के देखते हैं, बल्कि मैंने अभी इसमें सेलेक्ट नहीं किया हुआ, पांचवा मैं बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा 1 2 3 4 आ रहे होते हैं, ठीक है, फिर 1 2 3 4 के बाद छोड़ के फिर यहाँ से स्पॉन्सर्ड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 100 आगे जाके होता है, पहले पहले पेज पे 4 वाले, फिर मिडिल पे आते हैं 4, फिर बॉटम पे 4 आते हैं, ठीक है। फिर आप किसी की भी प्रोडक्ट में आप चले जाते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट वाली कैंपेन चला रहे होते हैं तो आपकी किसी और की प्रोडक्ट के नीचे ये देखे स्पॉन्सर्ड इस तरह से आ रहे होते हैं, ये किसकी लिस्टिंग है, बेसिकली ये PPC के थ्रू आए हुए हैं ये लोग, ठीक है, इन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये देखिए लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड है, इसके नीचे आ रहे होते हैं, AC के नीचे ये इस तरह से भी आ रहा होता है, ठीक है। आप कह रहे होते हैं यार मैं तो किसी और की लिस्टिंग में आया हूँ, ये किसकी लिस्टिंग है, ये बेसिकली ये PPC से ये लोग यहाँ पे रैंक हुए हैं, ठीक है, अपनी लिस्टिंग को ये PPC के थ्रू लेकर आए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखे किसी और की लिस्टिंग है और यहाँ पर इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। अब ये इसका ए प्लस कंटेंट, ये किसी इस लिस्टिंग वाले का है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये किसी और की लिस्टिंग आ रही है, ये कैसे आ गई, ये भाई देखिए ना स्पॉन्सर्ड है, ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है, कीवर्ड स्पॉन्सर्ड नहीं, ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है, ठीक हो गया, ये देखिए ये आ गई। अब कोई बंदा इसकी वो लिस्टिंग पे आया हुआ है, ठीक है, अब उसको कोई यहाँ पर सस्ती मिल गई चीज, स्टार भी देख लिया उसने सारी चीजें, क्या पता वो यहाँ से खरीद ले, तो इसीलिए हम अपनी प्रोडक्ट ऐसे दूसरे दूसरों की प्रोडक्ट के बीच में हम लगा देते हैं, ताकि क्या पता हमसे भी कोई बाय बाय कर ले, ठीक है। तो ये स्पॉट्स हैं, इस तरह से आपको स्पॉट्स मिल रहे हैं। फिर देखिए आप रिव्यू के बराबर में भी आपको स्पॉट मिल रहा है, जो बंदा रिव्यू तक जा रहा है आप कोशिश करें अपनी प्रोडक्ट वहां लगा दें, आपके रिव्यूज अगर अच्छे हैं आपके पास हैं तो आप देखिए इसके पास अगर फॉर एग्जांपल इसके रिव्यूज कितने हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसके 12,000 रिव्यूज है, आपको पता है इसकी प्रोडक्ट पे 12,000 रिव्यूज है, आपके पास 16,000 है, आप इसकी प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला लगा दें, ठीक है। वो बंदा जो यहाँ पर रिव्यूज लेने आ रहा है वो देखेगा तो यार मैं इसकी 12,000 वाले की ये देख रहा हूँ, इसके पास तो 16,000 है, क्यों ना मैं इसके पास जाके देखूं, तो हो सकता है वो आपसे खरीद ले, ठीक है। तो ये स्पॉट्स आपको बहरहाल में दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा ये प्रैक्टिकली आपने भी देखने हैं, ठीक है। अच्छा वो जो ब्रांड वाला था कि आपने ब्रांड वाला जब कैंपेन आपने सेलेक्ट किया तो किस तरह आता है, ये देखिए आपका लोगो आ रहा होता है, ठीक है, आपके पास और ऑप्शन आ जाते हैं, आप अपनी एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट भी आप एक ही कैंपेन में एक ही पैसों में लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है, सारी चीजें आपके पास हैं, ट्रेडमार्क भी है, सारी चीजें हैं, तो अब आप ये वाली ऑप्शन को ले सकते हैं, आप इसी कीवर्ड को टारगेट करके
जो भी बंदा फॉर एग्जाम्पल इसका क्या नाम है, होम एंड किचन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी बंदे ने होम एंड किचन आके लिखा, ऊपर सबसे पहले उसको जो दिखेगा ये वाला आपका, इस तरह आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है, वो ये वाले स्पॉन्सर्ड होते हैं पीपीसी के थ्रू, ये इन्होंने अपने प्रोडक्ट को रैंक किया हुआ होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मजीद आप देखें, अभी किसी और की लिस्टिंग है, ठीक है, लिस्टिंग में ये यहाँ पर भी बाय बॉक्स के नीचे भी आ रहा होता है इसकी, अपना ये जो बुलेट पॉइंट है इसके भी नीचे आ रहा होता है, ठीक है। अब ये देखें, बल्कि ये वाला, ये साइड पे था, एक सेकंड, ये साइड पे, ये देखें बाय बॉक्स से ये ऊपर भी आ रहा है, ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। अब ये किसी और की लिस्टिंग है, ये वाली लिस्टिंग अलग है, ठीक है। तो इस तरह ये स्पॉट्स हैं बेसिकली। अच्छा जी, कैंपेन बनाते हुए आप Amazon के रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते हैं, प्लीज कॉल मी एंड वी नीड योर सजेशन, ठीक है, एक ये। दूसरा ये, जब आपकी आपने कैंपेन चला दी, वो रन ही नहीं हो रही है, मतलब वो आपका कीवर्ड जो है वो इंडेक्स हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो आप Amazon को कह सकते हैं प्लीज कॉल मी, ठीक है, आई नीड योर सजेशन, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। वो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, ये आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, आगे से जो है वो आपको कॉल आना शुरू हो जाती है, आपका टाइम सेट कर दिया जाता है कि जस्ट सर फलां फलां टाइम में हम आपको कॉल करेंगे, आप कैंपेन चला रहे हैं, हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे, ठीक है, जो भी मसला मसाइल होगा आप उनसे बात करेंगे, पूछ सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है, आप कैंपेन चला लेते हैं, आपके पैसे जाया हो जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट, तो वो कैंपेन चलती ही नहीं है। क्यों नहीं चली? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि उसकी वो जो कीवर्ड है वो इंडेक्स तो हुआ ही नहीं है, कैटेगरी उसकी इंडेक्स तो हुई भी नहीं है। तो आप कम से कम Amazon से बात तो करें ना, उसको पूछे तो सही ना कि सर मेरा ये वाला कीवर्ड है, मैं उसके ऊपर ये कैंपेन चला रहा हूँ, कैंपेन क्यों नहीं चल रही है, आप जरा देखें ये इंडेक्स है या नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा आप एक मिनट होल्ड करें, और सीधी ट्रांसफर करेगा एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में, वो आपसे पूछेगा सर कौन सी प्रोडक्ट आपकी है, और मैं देख लेता हूँ कि आपकी इंडेक्स है नहीं है। वो एकदम एक मिनट में आपको बता देगा सर आपकी प्रोडक्ट तो इंडेक्स ही नहीं है। वो आप उसको बोले भाई अभी आप कर दें, वो फौरन से पहले आपकी इंडेक्स कर देगा, फिर आप जाके वो कैंपेन चला लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा था, कैंपेन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सिर्फ पीपीसी नहीं है, पीपीसी सिर्फ मशहूर है, आसान है, बहुत वो ये जो है वो टेक्निकल है, तो इसको ज्यादा वो दिया जाता है, ठीक है, पीपीसी हर किसी की जुबान पे यही है, इवन वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे तो वो लोग पीपीसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन दूसरी भी है, जैसे क्वांटिटी डिस्काउंट आप दे देते हैं, वाइन प्रोग्राम आप चला लेते हैं, डील्स प्रोग्राम आप चला लेते हैं, कूपन्स प्रोग्राम आप चला लेते हैं, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स आप चला लेते हैं, प्रमोशंस आप चला लेते हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको हम देखेंगे, ठीक है। आज का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मजीद आपको पहले आप इसको याद कर ले, ठीक है, फिर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज हम फिर इसको मजीद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा काइंडली। इंशाल्लाह जरूर जरूर कर दूंगा, ठीक हो गया। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। कुछ थोड़ा बहुत समझ आया भला? सर इसको दोबारा कल बैठ के देखेंगे ना, सर दोबारा बैठ के देखेंगे ना, साथ साथ लेक्चर भी रिकॉर्डिंग, तो फिर देखते जाएंगे क्या समझ ना पे ज्यादा समझ में आएगा ऐसा लग रहा है जी, कल दोबारा पूछ लेंगे जिस बात की ना समझ। अच्छा जी, असाइनमेंट आप जरा सुन लीजिए, ये स्पॉट्स आपने ढूंढ के लाने हैं कि सर स्पॉन्सर्ड वाले कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, ये वाला स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स आप ढूंढे, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है, जहां पे स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है इसको आप कैप्चर कर लें और उसको पीडीएफ फाइल बना ले, उसकी अपना कैनवा फाइल बना ले, ठीक है,
स्क्रीनशॉट लगा लें सर। ये तो जब हम कीवर्ड देते हैं तो ऊपर ही आ जाते हैं सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है जी। आप पूरा इसको देखें, पूरे Amazon के पेज सेंटर में भी होते हैं, कुछ एंड में भी होते हैं, प्रोडक्ट्स के बाहर भी होते हैं, सारे स्पॉट्स आप डील वो उसमें आप देखें, टुडे डील में जाके देखें, जहां आपको बन पड़ता है आप बताएं। अच्छा जी, मेरा सबसे एक क्वेश्चन है, अगर इस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उसके यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, तो क्या ये इस प्रोडक्ट का एड लगा हुआ है? एनीवन आंसर मी मैम, कहाँ पे जरा मार्क कीजिएगा। ये देखें, ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, आपने प्रोडक्ट की डिटेल जब ओपन की, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाला एड इस प्रोडक्ट के लिए चल रहा है या इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में किसी और सेलर ने छोटा एड चलाया हुआ है? जी मैम, ये आई थिंक सो ये स्पॉन्सर्ड वाली नहीं है ये प्रोडक्ट, ये किसी और सेलर की अपनी कोई छोटी प्रोडक्ट है। अच्छा, सही कहा मैंने? ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर आप इस प्रोडक्ट को मेन पेज पे ओपन करते हैं ना, तो मेन पेज पे ही आपको स्पॉन्सर्ड दिख जाता है। ये अभी दोपहर में मिस अंबर जबीन का भी एक क्वेश्चन था कि मैं जो भी प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ वो सारी की सारी स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि प्रोडक्ट आप ये वाली ओपन कर रहे हैं, एक यहाँ पे एड चल रहा होगा, आप थोड़ा सा इसके नीचे डिटेल में जाएंगे तो नीचे भी दो छोटे छोटे स्पॉन्सर्ड लिखे हुए आते हैं। इट डजंट मीन कि ये वाली जो आपकी प्रोडक्ट है उस पे एड चल रहा है, ये अदर सेलर्स की प्रोडक्ट्स है जिनपे छोटे एड्स चलाए गए हैं, ठीक है। ये अभी आपने पीपीसी में भी ये चीजों को क्लियर किया है, तो इन चीजों की पहचान आपने जरूर करनी है। तो एक्सक्यूज मी, इनकी प्राइस भी सेम होती है जिनके स्पॉन्सर्ड होते हैं और ये जिस तरह दोनों की देखें प्राइस सेम है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। भाई प्राइस देखें ना, आपकी अगला बंदा जो स्पॉन्सर्ड चला रहा है उसकी भी लिस्टिंग ही है, ठीक है। उसकी तो कोशिश होती है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैं जो है अगर ये 50-70 में बेच रहा है तो मैं भी 50-70 की लगा के और इसी प्रोडक्ट के अंदर जाऊं और अपनी भी 50-70 में बेसिकली ना पीपीसी का ये ट्रिक है जो इस सेलर ने खेला हुआ है, वो चाह रहा है कि जो इस प्रोडक्ट पे लोग आ रहे हैं ना, ट्रैफिक आ रही है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करके वो अपनी तरफ लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड किया हुआ है दूसरे सेलर ने। तो मैं जैसे कि अगर मैं आती हूँ यहाँ पर इस पेज पर एज अ बायर, तो मैं प्रोडक्ट इसको सर्च कर रही हूँ लेकिन एड टू कार्ट मैं उसको कर लूंगी। नहीं, ये जो सर अगर इस तरह से ऐड टू कार्ट कर लूंगी तो क्या मैं दूसरे सेलर की प्रोडक्ट खरीद लूंगी? आप देखेंगे कि ये किसी और की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने इसकी रेटिंग देखी, इसकी है 200 समथिंग रेटिंग, ठीक है, 213। अब आपके पास है 500 रेटिंग, आपने सेम इसी की प्राइस बनाई, ठीक है, और यहाँ पर इसको टारगेट किया, आपकी प्रोडक्ट लग गई अब यहाँ पर, यहाँ बाय बॉक्स के नीचे आ रही होगी या यहाँ पर आ रही होगी, लेकिन आपकी रेटिंग जरूर शो हो रही होगी, ठीक है। अब जो बायर आया उसने इसको देखा, अगर उसने इसके बाय बॉक्स को यहाँ से एड टू कार्ट किया, बाय बॉक्स किया, तो ये वाली प्रोडक्ट के साथ ही जा रहा है। लेकिन अगर वो उसको भी पता है कि ये वाली प्रोडक्ट कोई और है, ये जो स्पॉन्सर्ड आ रही है कोई और प्रोडक्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट तभी सेलेक्ट होगी जब वो आपके पेज पे जाएगा। यहाँ से अगर डायरेक्ट एड टू कार्ट करिए तो ये तो इसकी कर रहा है, आपकी थोड़ी कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट का तो छोटा सा एड चल रहा है, वो उसको जब तक क्लिक नहीं करेगा, जब तक आएगा नहीं आपकी पेज पे, पूरी तरीके से डिटेल नहीं चेक करेगा, फिर वहां से आपकी लिस्टिंग के ऊपर से वो जब बाय बॉक्स करे या एड टू कार्ट करे तो आपको मिलेगा। अदरवाइज ये अगर इसी को ही देख के और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट को देख के और इसी को यहाँ पे आगे क्लिक करता है तो ये तो किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, भले आपने स्पॉन्सर्ड की भी है। अच्छा, ये उसने क्लिक किया ही नहीं। ये स्क्रीनशॉट है आज की आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो आप करें, कल को जो आपकी असाइनमेंट चेकिंग होगी ना उसके बाद हम डायरेक्ट अमेजोन पे जाके रेंडमली 2-4 प्रोडक्ट्स खोलेंगे और ये वाला जो केस है ना इसको प्रैक्टिकली ज्यादा डिस्कस करेंगे कि इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। जी ठीक है मैम।
अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? अच्छा मैं दोबारा से आपको कहूंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज हम फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं तो वो बहुत ही अजीब सी लग रही होती है कि पता नहीं हमें आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आ जाएगा, सब होगा, ठीक है। पेशेंस रखें, थोड़ा काम करें, जरूर करें बस, ठीक है। आज का जो टास्क है वो कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टू ऑल।